हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर उमेश गधाणी। आई एम कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन। मैं अहमदाबाद सिटी में 10 ईयर्स से एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज हम पेडल इडीमा यानी कि पैरों की सूजन के बारे में बात करेंगे, उसके कारण और उसके लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जनरली पैरों में सूजन आना की शुरुआत होती है तब एंकल एरिया में स्वेलिंग यानी कि सूजन आपको महसूस होती है। ये स्वेलिंग खड़े रहने पर ज़्यादा बढ़ जाती है यानी कि इवनिंग तक बढ़ जाती है और सोने पे या मॉर्निंग में उठने पे कम हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ये पैरों में सूजन आने के बहुत अलग अलग कारण होते हैं। कुछ सिंपल से कारण होते हैं और कुछ गंभीर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। पहले हम बात करेंगे सिंपल से कारण क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि कोई फूड एलर्जी होने की वजह से भी कई बार पैर पे और चेहरे पे सूजन आ सकती है। दूसरा कारण होता है वीनस इडीमा यानी कि जिसको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाई जैसे कि एम्लोडिपिन नाम की दवाई या अदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाई से भी पैरों पर सूजन आ सकती है, जो कि दवाई चेंज करने से या उसका डोज कम करने से ही ठीक हो जाती है। बाकी कुछ कारण ऐसे होते हैं जो किडनी की या हार्ट की या लीवर की बीमारी की वजह से होता है। किडनी की बीमारी यानी कि किडनी डैमेज होने का, जिसको किडनी फेलियर बोलते हैं, उसमें पैरों में सूजन आना शुरू होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम करके बीमारी होती है यानी कि पेशाब में जब प्रोटीन लीकेज होने की शुरुआत होती है तब भी पैरों में सूजन आ सकती है। डायबिटीज़ के मरीज़ जिसको लंबे समय से डायबिटीज़ होता है 5 साल या उससे ज़्यादा समय से, उससे जब किडनी पर असर होना शुरू होता है, यूरिन में प्रोटीन लीकेज शुरू होता है, तब पैरों पर सूजन आ सकती है। हार्ट फेलियर यानी कि हार्ट का पंपिंग कम हो जाना, हार्ट का दोहरा आना, सोने पे जब सांस की भी तकलीफ़ होती है और सूजन आती है तब जनरली हार्ट की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लीवर फेलियर यानी कि लीवर सिरोसिस की बीमारी में भी शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाने की वजह से पैरों पे सूजन, पेट का फूलना, पेट में पानी का भरावा, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अब मैं इसके बारे में बात करूँगा कि इसके लिए क्या ट्रीटमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले तो पैरों में सूजन आना ये सजेस्ट करता है कि शरीर में पानी की और सॉल्ट की अधिक मात्रा है। सो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन यानी कि ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, नमकीन चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और पानी की मात्रा यानी कि लिक्विड जो है वो खाने में कम लेना चाहिए। जनरली वो उसकी मात्रा 1 to 1.5 लीटर पर डे कर देनी चाहिए जिसको पैरों में सूजन आती है। अगर ये सब करने के बाद भी अगर सूजन चालू रहती है तो आपको तुरंत फिजिशियन डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या फिर किडनी स्पेशलिस्ट यानी कि नेफ्रोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। हर एक बीमारी का इलाज अलग होता है और इलाज उस पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर किडनी का प्रॉब्लम है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो उसकी दवाई देके ये प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। इनिशियली किडनी या हार्ट के प्रॉब्लम में डायूरेटिक नाम की दवाई दी जाती है, टॉर्जेमाइड या फ्लूरोसेमाइड नाम की दवाई यानी कि लेसिक्स या डाइटोर नाम की दवाई मेजोरिटी ऑफ फिजिशियंस और प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये दवाई के साथ जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया यानी कि नमक और लिक्विड्स की मात्रा कम करना भी ज़रूरी है। कई बार डॉक्टर ऐसी भी सलाह देते हैं कि पैर थोड़ा ऊपर रख के सोना चाहिए, लेकिन हर एक कारण में पर्टिकुलरली किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट को मैं ये एडवाइस नहीं दूंगा, ये नहीं करना चाहिए। इससे ये होता है कि इससे जो फ्लूड है लंग में ज़्यादा एक्यूमुलेट होता है और पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। सो कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पैरों में चोट लगने पे या लिगामेंट पे इंजरी होने पे भी सूजन आती है, लेकिन यूजुअली ये कारण में पेन भी बहुत होता है, तो जनरली इसमें आप ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने से वो सूजन कम हो जाती है। अब मैं एज ए किडनी स्पेशलिस्ट बात करूँगा कि किडनी के कौन से कारण होते हैं जिससे पैरों में सूजन आती है और उसका कैसे इलाज किया जाए। किडनी की बीमारी दो टाइप की होती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक किडनी डिसीज़। एक्यूट यानी कि एकदम से किडनी का काम कम हो जाना, जैसे कि किसी को डेंगू, मलेरिया, किडनी इन्फेक्शन या पेन किलर या और कोई भारी दवाई से जब किडनी पे सूजन आती है और किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, तब टेम्पररी किडनी का फंक्शन कम होने की वजह से शरीर में पानी का भरावा होता है और इसीलिए पैरों में सूजन आना, साथ में चेहरे पे भी सूजन आना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। जब शरीर में कचरा बढ़ जाता है जो कि किडनी निकालती है यानी कि यूरिया और क्रिएटिन बढ़ जाने की वजह से, इसके साथ वोमिटिंग होना, खाना अच्छा नहीं लगना, वेट लॉस होना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है तो आपको तुरंत किडनी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हर एक कारण के हिसाब से इसका इलाज होता है। मेजोरिटी ऑफ केसेस जिसमें एक्यूट यानी कि टेम्पररी किडनी का फंक्शन कम हुआ है, अगर उसको समय से उसका इलाज किया जाए
तो ये बीमारी ठीक हो सकती है और साथ में पैरों की सूजन भी ठीक हो सकती है। दूसरी बीमारी यानी कि CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज़, जो कि लंबे गाढ़े में किडनी डैमेज होने से होता है। ये मेनली उम्र वाले लोगों में, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट, ये सब में ज़्यादा पाई जाती है। इसमें शुरू में पैरों की सूजन वगैरह सिम्टम्स नहीं होते, कई बार शुरू में कोई सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या फिर कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते, सिर्फ रिपोर्ट्स करने पे पता चलता है कि क्रिएटिनिन लेवल ज़्यादा आ रहा है, यानी कि किडनी का फंक्शन कम हो रहा है। जब किडनी का फंक्शन सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, यानी कि 40% से भी किडनी का फंक्शन कम हो जाता है, तब पैरों में सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, सांस में तकलीफ होना, ये सारे सिम्टम्स शुरू होते हैं। CKD यानी कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ के जो शुरू के स्टेज होते हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5, तो उसमें शुरुआत में दवाई से इलाज पॉसिबल है। इसका इलाज में डायबिटीज़ का कंट्रोल, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, एनीमिया यानी कि खून की कमी की सारवार, साथ में डायबिटिक दवाई सूजन कम करने के लिए, और कुछ परहेज जैसे कि नमक कम लेना, पानी की मात्रा कम लेना, ये सब किया जाता है। एडवांस स्टेज यानी कि जब किडनी फेलियर बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है, 5वें स्टेज में, जब किडनी का फंक्शन 10% से कम हो जाता है, ऐसे केसेस में डायलिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस एक बार किया तो हमेशा करना पड़े ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक्यूट किडनी फेलियर यानी कि टेम्पररी किडनी का फंक्शन कम होने की बीमारी में टेम्पररी ही डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि CKD यानी कि जब परमानेंटली किडनी फेल हो जाती है और वो एडवांस स्टेज में पहुँचती है, तब रेगुलर डायलिसिस हफ्ते में 2 से 3 बार करने की ज़रूरत पड़ती है। किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन किडनी ट्रांसप्लांट है। अगर फैमिली मेम्बर कोई, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ या कोई नियर बाय रिलेटिव किडनी एक किडनी डोनेट करता है, तो पेशेंट को डायलिसिस से छुटकारा मिलता है और वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं और उनके बाकी के सिम्टम्स जैसे कि सूजन वगैरह सब सही हो जाते हैं, इवन डायलिसिस भी बंद हो जाता है। थर्ड एक बीमारी जैसे मैंने शुरू में भी बात की, नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि पेशाब में प्रोटीन लीकेज होने की बीमारी। ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा दिखने को मिलती है। इसमें पूरा शरीर सूज जाता है, जैसे कि चेहरे में सूजन, पेट में पानी भर जाता है, पैरों में भी सूजन आती है, पेशाब कम हो जाता है। ये किडनी में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से, सूजन आने की वजह से होता है और प्रोटीन बहुत सारा लीकेज हो जाता है, इससे शरीर में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है। बच्चों में यूजुअली स्टीरोइड्स की दवाई दी जाती है और इससे नेफ्रोटिक सिंड्रोम ठीक हो सकता है। कई बार एडल्ट्स में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी होती है। जब भी बड़ों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बीमारी यानी कि प्रोटीन लीकेज होना और शरीर में प्रोटीन की कमी होना होता है, तो ऐसे केसेस में किडनी की बायोप्सी करना आवश्यक होता है, क्योंकि एडल्ट्स में इसके कारण अलग अलग होते हैं और हर एक कारण के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है, जैसे कि मिनिमल चेंज डिसीज़, FSGS, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, कई बार माइलोमा जैसी ब्लड कैंसर की बीमारी में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, तो एडल्ट में किडनी बायोप्सी करना अवश्य होता है और इसका फिर कारण के हिसाब से इलाज किया जाता है और मेजोरिटी ऑफ केसेस नेफ्रोटिक सिंड्रोम के क्योरेबल होते हैं। सो अगर हम परफेक्ट कारण जान पाए तो किडनी के बहुत सारे केसेस क्योरेबल भी होते हैं, आपको सही दिशा में ट्रीटमेंट मिलने की ज़रूरत होती है। आई थिंक किडनी और पैरों की सूजन के बारे में ये हमारा सेशन आप सबको यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।